हेलो फ्रेंड्स, सोनल बेकिंग कुक में आपका स्वागत है। ये लीजिए, आज मैंने ये हांडवो बनाया है। देखिए कितनी बढ़िया अच्छी टेस्टी दिख रही है और खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। आज मैं आपको इसी की रेसिपी बताने वाली हूँ कि हांडवो आप कैसे बनाने वाले हैं। ये एक गुजराती डिश है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, इंस्टेंट है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। घर में दाल और चावल जो रहते हैं उसी के मिक्सचर से ये हांडवो बनकर तैयार होती है। सुबह में नाश्ते में या शाम को आपको चाय के साथ कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से ये हांडवो बनाकर खा सकते हैं। इजी रेसिपी है, आसानी से बन जाती है। तो चलिए झटपट से आज हम बनाएंगे हांडवो गुजराती डिश। हांडवो के लिए यहाँ में हमने सभी इंग्रेडिएंट्स को निकाल लिया है। इसके लिए मैंने एक कटोरी चावल लिया है, आधा कटोरी यहाँ पर मैंने ये देखिए तुअर दाल लिया है, एक कटोरी चना दाल है, आधा कटोरी उड़द की दाल है और आधा कटोरी ये मूंग की दाल है। इन सभी को हम एक साथ मिला के पानी में भिगा देंगे कम से कम 5 घंटे के लिए। तो उसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए। इस बर्तन में हम सभी चीज़ को डाल के कम 5 से 6 घंटे के लिए ओवरनाइट होने के लिए रख देंगे। यदि रात में रखना है तो आप सभी को रात में पानी में डालकर रख दीजिए, और यदि आपको शाम को जैसे बनाना है तो सुबह आप इसको सबको भिगा दीजिए। कम से कम 5 घंटे ये पानी में भीगना चाहिए, तो क्या होता है ये अच्छी तरह से फूल जाते हैं और पीसने में आसानी होती है। चलिए इन्हें सब हम मिलाकर 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमने दाल और चावल दोनों को अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद उस पानी को फेंक के दूसरा पानी डाल के इसे रख दिया है। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। 5 घंटे हो गए हैं, ये देखिए मैंने इसे रात को भिगा दिया था और ये कितनी अच्छी तरह से बढ़िया फूल चुके हैं। चलिए अब हम इसका जो पानी है इसे फेंक देंगे और धो के फिर इसे हम पीसेंगे। यहाँ हम हांडवो में ये देखिए 5 मिर्च यूज़ करेंगे और 1 टुकड़ा अदरक, इसे भी हम मिक्सर में पीस लेंगे। यहाँ हमने हरी मिर्च और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, इसे हम जार में डाल देते हैं। और उसके बाद जो हमने चावल और दाल भिगो रखा है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छा महीन पीसना है। हांडवो के लिए जो ये पीसते हैं हम, मतलब जो इसका जो बैटर होता है वो अच्छी तरह से पीस जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब मोटा नहीं और पतला नहीं, जैसे कि रवा जैसा हल्का सा उसमें रहना चाहिए, बस उतना ही हमें पीसना है। चलिए अब हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं। ये लीजिए पेस्ट तैयार हो गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, इसे बर्तन में हमें खाली कर लेना है। ये लीजिए पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, इसे हम एक बर्तन में खाली कर ले रहे हैं। बस अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होगा, दाल चावल जो पीस तो गया ही है, अच्छी तरह से हम उसे फेंट लेंगे। थोड़ा सा हमें ऐसे ऐसे फेंटना है। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल के थोड़ा सा ऊपर आ जाए। इससे क्या होगा, जो हांडवो बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनता है। इसे हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं, हम हांडवो का बैटर देखेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा ये फूल चुका है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें खमीर जैसा उड़ गया है, ये एकदम परफेक्ट ही हो चुका है। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, अब हमें इसे बनाना है करके हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, छोटे चम्मच से डाला इसलिए 2 बार हमने इसमें नमक डाला है। नमक को हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स क्या होता है, 1.5-2 घंटे रख देने से इसमें खट्टापन आ जाता है। यदि आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तुरंत बना रहे हैं, तो आप इसमें 1 बड़ा नींबू का रस डाल दीजिए, तो इस तरह आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 बड़ा नींबू डाल दीजिए, ये तुरंत तैयार हो जाता है। चलिए नमक मिक्स हो गया है, अब हम आगे क्या स्टेप करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई चढ़ा दी है जिसमें हमें हांडवो बनाना है। इसमें हम डालेंगे पहले तेल, लगभग 2 बड़ा चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तेल को हमें गरम करना है।
जब तक तेल गरम हो रहा है, ये देखिए मैंने अलग बर्तन में ये जो बैटर था हांडवो का लगभग 4 चम्मच ले लिया है। सारे में हम सोडा एक साथ मिक्स नहीं करते हैं, जितना बनाना है उतने में हम इसमें सोडे को मिक्स करेंगे। ये देखिए अब इसमें हम सोडा डालेंगे। इसमें हम लगभग ये देखिए 1/2 चम्मच सोडा डालेंगे, 1/2 चम्मच से भी कम है आप देख सकते हैं, और 1 चुटकी हल्दी, बस इतना ही चीज़ हमें इसमें ऐड करना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच बारीक वाली सरसों और थोड़े से कड़ी पत्ते। फ्लेम को एकदम कम रखिए। बस हमने तड़का ज़्यादा बचाया है फ्रेंड्स, ये तड़का ज़्यादा है इसलिए अभी हम इसमें से 1/2 निकाल लेंगे। आप स्टेप देखते रहिए कंटिन्यू कि हमें कैसे बनाना है ये हांडवो। बस ये देखिए इतना ही हम इसमें रहने देंगे और बाकी का तड़का मैं कैसे यूज़ करूँगी आपको सब बताते जाऊँगी। बस फ्लेम को हमें एकदम कम रखना है और ये जो बैटर हमने मिक्स किया है इसको एक बार और हल्के से इस तरह से फेंट लीजिए और इसमें डाल देना है। बस फ्लेम को एकदम कम रखना है और इसे हमें ढक देना है। लगभग 5 से 10 मिनट इसे हम स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। लगभग 7 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे देखते हैं हटा के। ये देखिए अभी जो ऊपर की लेयर है, हाँ ये टाइट टाइट हो गई है, देख रहे हैं आप कितना अच्छा ये फूल चुका है। अब हम इसे पलटना कैसे है वो आप देखिए। इसे पलटने के लिए हमें इस प्लेट को इस तरह से रखना है और यहाँ रख के हम इसे ऐसे पलट लेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कढ़ाई खाली हो गई। ये देखिए यहाँ मैंने ये प्लेट में इसे पलट लिया है। अब हमें पीछे तरफ भी इसे सेकना है, तो हम क्या करेंगे इसे हटाते हैं और हमने जो तड़का कटोरी में निकाल लिया था थोड़ा सा वो हम इसमें डालते हैं। देखिए मैंने बोला था ना आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए तो आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ये तड़का इसमें हमें डाल देना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सफ़ेद वाली तिल डालेंगे, थोड़ी सी बस। अब ये जो हमने निकाला है अपने हांडवो को वापस धीरे से इसमें डाल देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें कलर कितना बढ़िया आया है और ये बहुत अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना। बस इसे भी हम ढक के इसी तरह से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। लीजिए 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे हटाकर देखते हैं। हमारे हांडवो बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से हो चुके हैं, पीछे भी हो चुके होंगे क्योंकि हमने इसे 5 मिनट छोड़ दिया था इसमें। फिर भी हम इसे थोड़ा सा एक स्पून से देखते हैं। ये देखिए परफेक्ट कलर इसमें आ गया है। बस ये देखिए कितने बढ़िया टेस्टी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है। इसके लिए वही एक प्लेट लीजिए, प्लेट को इसके ऊपर रख के इस तरह से इसे पलट लीजिए। वाव आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया हांडवो बनकर रेडी हो गई है। इसे मैं आपको कट करके भी बताती हूँ। इसे हम कट करके देखेंगे। नाइफ को बढ़िया लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा एकदम क्रिस्पी ये सिक जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहता है ये, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी।
ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं काट रही हूँ तो समझ में आ रहा है, क्योंकि क्रिस्पी होने के कारण ये अच्छे से कटता नहीं और अभी गर्म भी है। ये देखिए, वाह कितना बढ़िया ये हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पॉन्जी ये बनकर तैयार हुआ है। अंदर देखिए जालियाँ कितनी अच्छी इसमें आई हुई हैं। ये इसी तरह से एकदम सॉफ्ट बनता है और ऊपर से उतना ही अच्छा क्रंची रहता है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारी हांडवो बनकर रेडी हो गई है। इसे आप इमली की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ खाइए। वैसे ये इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ये लीजिए, हांडवो बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर नए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर करें। सोनल की।